सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, नया साल आ चुका है, तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को नया साल मुबारक हो और आशा करता हूँ ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, सभी के लिए बहुत ही सुख सुविधा और संतोष लेकर आए। आप सभी को शक्ति दे ईश्वर, आप सभी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, सभी खुशी खुशी रहें और ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है नया साल आ चुका है, 2020 शुरू हो चुका है। और नया साल आते ही भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने हमें एक अच्छी खबर दी है, खुशखबरी दी है, जिसकी बात हम आज इसमें करेंगे। दोस्तों, आपने जैसे कि बहुत पहले से सुना होगा कि गवर्नमेंट मोबाइल फ़ोन का और डिवाइसेस का एक डाटा कलेक्ट कर रही है, डाटाबेस बना रही है, जिसमें सारे डिवाइस रजिस्टर्ड होंगे, जिसे CEIR नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। सो उसके अंतर्गत ऐसा है कि सारे डिवाइस उस पर रजिस्टर होंगे। अगर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो आप उसको कंप्लेन करके आप उसको ब्लॉक करा सकते हैं और पुलिस को आसानी होगी उसे ट्रैक करने में, उसे ढूंढने में। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये एक बहुत आसान सा तरीका है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा और उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले, जब आपका फ़ोन नहीं मिलता है, तो आपको एक पुलिस कंप्लेन करनी है और उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखनी है। उसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर से आपको अपना नंबर लेना है, डुप्लीकेट सिम लेनी है उसी नंबर की, और उसके बाद आप CEIR के पोर्टल पे आ जाना है और उसके बाद आपको बाकी की फॉर्मेलिटीज़ करनी है। तो उस पे पोर्टल पे आके क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर पे। तो दोस्तों, ये है CEIR का पोर्टल, जिस पे हम CEIR.gov.in पे जाएंगे तो आपको ऐसा पोर्टल मिलेगा। आप मोबाइल और डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप सभी में खोल सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले ऐसे आना है और आपको यहाँ पे देखिए CEIR सर्विसेज में जाना है और मोबाइल सॉरी ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह का खुलेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, अगर डुअल सिम है तो दो बार डालना है या फिर एक तो डालना ही डालना है। EMI नंबर डालना है, ब्रांड कौन सा है वो आपको डालना है, कंपनी सैमसंग MI जो भी आपकी है। उसके बाद मॉडल नंबर, डिवाइस नंबर, और अगर इनवाइस है तो आपको एक इनवाइस की कॉपी भी इसमें लगानी है। उसके बाद लॉस्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, कहाँ पे गुम हुआ, स्टेट, लोकेशन, कंप्लेंट नंबर, आपको जो पुलिस में कंप्लेंट किया आपको वो नंबर मिलेगा वो यहाँ डालना है, डेट आपको डालनी है और पुलिस स्टेशन डालना है, और जो कंप्लेंट की कॉपी है उसको स्कैन करके यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद ऑनर डिटेल डालनी है आपको, जो जो आपके डिटेल है पर्सनल डिटेल वो डालनी है, ऑनर नेम, आइडेंटिटी, इस पर एक आपको कुछ आइडेंटिटी नंबर पूछ सकता है तो वो आप ज़रूर डालिए, मतलब जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह का कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालने हैं। और यहाँ पे आपको वो अपलोड भी करना है, एक सॉफ्ट कॉपी आप ले कर लीजिए स्कैन करके और उसे यहाँ पे डाल दीजिए और इसको डिक्लेरेशन करके सबमिट कर दीजिए, बस इतना सा करना है। इसके बाद ये आपकी डिटेल जो है वो एंटर हो जाएगी, इसके बाद आपकी डिटेल सारी एंटर हो जाएगी डाटाबेस में और उनके लिए बहुत आसानी होगा इस फ़ोन को ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, अगर इसमें यह है कि आपको जब सबमिट करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, कंप्लेंट नंबर, उसके थ्रू आप इसमें बड़ी आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं या आप ये देख सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट का क्या हुआ। उसके लिए आपको करना ये है कि आप सीधा इसी सर्विसेज में जाएंगे और चेक रिक्वेस्ट स्टेटस करेंगे, तो आप यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट आईडी डालेंगे और सबमिट करेंगे तो आप उसको बड़ी आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर हम कभी सेकेंड हैंड फ़ोन लेते हैं तो आपको उसका स्टेटस चेक करना है कि ये फ़ोन चोरी का है या जेन्युइन फ़ोन है, तो आप वो भी बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है एप्लीकेशंस में और EMI वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आप जाएंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा, उसके बाद आप EMI नंबर डाल के उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो फ़ोन कब परचेज़ हुआ है और किस कंपनी का है और कौन ऑनर था, इस तरह की डिटेल आपको मिल सकती है। तो ये सब आप बड़ी आसानी से इस पर चेक कर सकते हैं। तो इस ऐसा हम कह सकते हैं कि शायद अगर आपका मोबाइल फ़ोन अभी चोरी हो तो एक उम्मीद बन जाती है कि वो खोज सकेंगे पुलिस और आप तक पहुंचा सकेंगे, और नहीं भी खोज सके तो आपका डाटा भी सेफ रहेगा, उसे डिलीट कर दिया जाएगा या फिर उस फ़ोन को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि कोई भी वो सिम डाले उस पर, फ़ोन को ऑन करे, कुछ भी करे, लेकिन वो उस फ़ोन को कभी भी यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसका EMI नंबर जो भी है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए
और अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी यूज़फुल होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।